हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड की देखेंगे और इसमें आज के दिन यहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम हुआ था और ये 260 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने सपोर्ट ले रखा है, ये सपोर्ट 240 के आसपास में है और ये प्राइस एक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके से यहाँ बिल्ड करके नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर एक बार एक ऊपर की ओर मोमेंटम कर लेता है और फिर से नीचे की ओर आता है तो डाउनफॉल देख सकते हैं, या फिर इसी लेवल को इस तरीके से ऊपर ब्रेक करके निकल जाता है तो हम लोग एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं आज किस तरीके का इसमें सिनारियो क्रिएट हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद जो इसके पास इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, वो था ये 259 260 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। ये सेकेंड टाइम यहाँ पे गया था, ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे जाके जब इसको हिट करेगा तीसरी बार, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ से हमारे लिए यहाँ से जो पहला टारगेट होगा वो होगा 268 का, एंड उसके बाद ये 280 तक का हम लोग को टारगेट दिखा सकता है आने वाले समय में। याद रखें, अभी ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करके नीचे निकलता है और यहाँ पे ये जो लेवल है 245 का, इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो कि इसको 236 के आसपास लेके जाएगा। तो आप इसको याद रखें कि अगर ये 260 को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, या फिर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करके 245 को लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें नीचे का लेवल इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।